जीएसटी R1 में देखा बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन ए और बी का आपस में हो, तो बी का अकाउंट को बैंक में लिख दिया और फ्रीज करवा दिया, लियन लगवा दिया। फिर मैंने इस अफसर से बात की, बोला जब तक आपको प्रेशर दूंगा तो आप इसको प्रेशर देंगे तो ये हमसे मिलने आएगा। चलिए तो हम लोग वी आर डिस्कसिंग व्हाट नाउ आरसीएम ऑन मेटल स्क्रैप, पेज नंबर 12 में। तो बड़ा सिंपल सा है ये, इन्होंने HSN नंबर लिख दिया, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर नेम लिख, मेटल स्क्रैप लिख, और एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन टू एनी रजिस्टर्ड पर। और इसका भी नोटिफिकेशन का इफेक्टिव डेट है 10 अक्टूबर 2024, और आज 13 है, यानी कि 10 अक्टूबर को अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने मेटल स्क्रैप खरीदा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से 10, 11, 12, 13, तो उनको आरसीएम में टैक्स देना होगा। अगेन सेल्फ इनवॉइस जो 30 दिन के अंदर है वो उसको जनरेट करना होगा। फिर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये है वो अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं मेटल स्क्रैप। अब मेटल स्क्रैप किसका, कोई पूछ रहा था बैटरी स्क्रैप पे लगेगा या नहीं लगेगा, ये कई तरह के मेटल स्क्रैप है। तो चैप्टर नंबर 72 और 73 आयरन एंड स्टील का, 74 कॉपर का, 75 निकल का, 76 एल्यूमिनियम का, 77 निल है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ निल फॉर फ्यूचर यूज, 78 लेड का, तो बैटरी इसमें कवर्ड हो गया, 79 जिंक का, 80 टिन का, 81 अदर मेटल्स। अदर मेटल्स में बहुत तरह के मेटल्स लिखे हुए, अगर मैं आपको दिखलाऊं कौन कौन से हैं, तो ये HSN कोड कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर 81। ये क्या लिख रहा है, अदर बेस मेटल्स सर्मेट्स आर्टिकल देयर ऑफ, टंगस्टन, फिर मोलिब्डेनियम, टेंटलम, पता नहीं क्या क्या नाम है, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, बिस्मथ, फिर और एक क्या था, टाइटेनियम, जिक्रोनियम, एंटीमोनी, मैग्नीज, बेरिलियम, सर्मेट्स, तो ये सब मेटल है जो इस इंडस्ट्री में वो तो पहचानते भी हूँ। तो एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, इस पे आरसीएम है, बताइए मेरे को, इस रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर है 50 लाख हो गया, इसका टर्नओवर 50 लाख हो गया, इसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। यस सर, रिक्वायरमेंट इज देयर। अच्छा, एक एडवोकेट है जिसका सर्विसेज आरसीएम में है, एक जीटीए है जिसका सर्विस आरसीएम में है, इसका टर्नओवर 50 लाख हो गया, इसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, नहीं इसका रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। यस सर, है नहीं है। जीटीए सर, बाकी जितने भी उसका सर्विसेज, नहीं नहीं सर, जीटीए के केस डाउट में क्लियर हो। 5/2017 नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा है उसको आवश्यकता नहीं है। प्लीज सुन लीजिए, इन सब पे आरसीएम, अगर आरसीएम में है इनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन इफ देयर टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, बट इन केस ऑफ द मेटल स्क्रैप दे केम आउट विथ नोटिफिकेशन जो 23 सबसेक्शन 2 में है, और इसको एक्सेप्शन में डाल दिया, और इस रजिस्टर्ड पर्सन को कहा गया कि अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन लेगा तो ये क्या बन जाएगा, आरपी और आरपी टू आरपी पे फिर आरसीएम लगेगा, नहीं 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 लगेगा, सर। नो। तो ऐसे केस में इन्होंने क्या कहा कि ऐसा है कि अब इस पे क्या टीडीएस क्या लगेगा, क्या कलेक्ट होगा, इसका मतलब ये जो रिसिपियंट है वो जब तक अनरजिस्टर्ड से ले रहा है तब तक आरसीएम एंड नो टीडीएस, और अगर रजिस्टर्ड से ले रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज एंड टीडीएस, तो सारा का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गया, रजिस्टर्ड पर्सन पे आ गया, करेक्ट है। अब मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखला रहा हूं जहां पर ये बातें लिखी हुई। टीडीएस के लिए फिर अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा ना। यस, अच्छा अभी उसको डिस्कस करते हैं, टीडीएस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा या उसी में काम चल, नहीं चलता है सर, नहीं चलेगा। मैंने पहले देखा था वो नहीं। सर ये वाला तो एक दिन डिस्कस हुआ था कि लेना ही पड़ेगा। ये देखिए 24/24/23 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, इसका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 था, इसमें लिखा प्रोवाइडेड दैट, और इसमें ये ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ है, ये हमने लिखा हुआ यहाँ पर, हियर बाय स्पेसिफाइज द पर्संस हु आर ओनली एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टोटल टैक्स ऑन व्हिच लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज बोथ एज द कैटेगरी ऑफ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द अफोरसेड एक्ट। तो अगर जीटीए एडवोकेट और जितने भी लोग जिनकी सर्विस आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम पे है, भले उनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी का एक उन्होंने एक्सेप्शन बना दिया और यहां लिखा
इन द सेट नोटिफिकेशन आफ्टर द ओपनिंग पैराग्राफ द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड नेमली प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस नोटिफिकेशन शैल अप्लाई टू एनी पर्सन एंगेज इन द सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप फॉलोइंग अंडर दिस चैप्टर. तो मेटल स्क्रैप के लिए अगर आप आरसीएम में है और एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बन जाएगी. अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बन जाएगी तो रजिस्ट्रेशन लेगा. अब कहानी यह है कि ये सारा चीज इंप्लीमेंट कैसे हो. हाउ विल द डिपार्टमेंट नो दैट दिस अनरजिस्टर्ड पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड. ये जो मेटल स्क्रैप का डीलर है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना था इस डेट को और वो नहीं लिया है. लो सर आप 925 भी देख लीजिए सर नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 वो तो टीडीएस वाला है. हाँ ये अभी करते हैं. पहले बताइए कैसे पता लगेगा. टीडीएस टीडीएस तो कब कटेगा जब वो अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड हो जाएगा. समझ रहे हैं आप. आरसीएम. हाँ जी आरसीएम. आरसीएम ट्रांजैक्शन यूआरपी टू आरपी. तो इसका मतलब ये रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू आरसीएम पे है इसमें तब इससे पता लग जाएगा. इसका मतलब अगेन रजिस्टर्ड पर्सन के देखिए क्या होगा. मान लीजिए ये आरपी या आरसीएम कार्ड पे वो टैक्स पेमेंट करता जा रहा है इसके यहाँ इस रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ ऑडिट हो गई. अब ऑडिट में पता लगता है कि आपने एक पार्टी ए है एक वेंडर ए है जिसको आपने 50 लाख रुपए आरसीएम ऑलरेडी दे चुके हैं. करेक्ट है. अब इसको इसके ऊपर कहा जाएगा भैया आपको आरसीएम कहाँ देना था. आपको तो फॉरवर्ड चार्ज पर टैक्स देना था. आपको तो टैक्स टीडीएस काटना था आपने काटा नहीं. कैन दिस एलिगेशन बी मेड टू दिस रजिस्टर्ड पर्सन. हेलो यस सर प्रैक्टिकली इट हैपेंस. अफसर है उसको तो एलिगेशन लगाने में क्या दिक्कत है. सर अगर वो अगर हेलो हाँ हाँ कह रहे हैं सर अगर वो 5 लोगों से भी ले रहा है हर जगह 20-20 लाख का ले लिया तो हमको कैसे पता चले. अगर यूआरपी वाला 20-20 लाख का दे दिया 5 लोगों रजिस्टर्ड पर्सन को तो भी तो हमको नहीं पता चल पाएगा. रजिस्टर्ड पर्सन को तो पता. हाँ ये भी ठीक बोल रहे हैं कि यूआरपी अगर 5 लोगों को पेमेंट कर रहा है और इस सब रजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट कर रहा है सब पे आरसीएम लग रहा है तो कैसे पता लगेगा. नहीं पता लगेगा. लेकिन अगर सिंगल रजिस्टर्ड पर्सन को अगर 21 लाख रुपया हो गया है तो या तो इससे खरीदना बंद कर दे या फिर इसको कहे कि भैया रजिस्ट्रेशन करवाओ. लिमिट 10, 20 और 40 तीनों है. सर इस केस में प्रॉब्लम आएगा ना अगर पता चल जाएगा कि उसको लेना था और हम आरसीएम के बेसिस पे आईटीसी क्लेम कर रहे हैं. ऑफिसर तो कहेगा कि आईटीसी आप गलत क्लेम कर रहे हैं. गलत क्लेम कर रहे हैं. अफसर कुछ भी कह सकता है. सर जिससे जो अनरजिस्टर्ड है जिससे हम परचेज कर रहे हैं उससे कोई डिक्लेरेशन ले लें कि मेरा टर्नओवर 20 लाख से नीचे है. रजिस्ट्रेशन की ऑब्लिगेशन सर. तो आप मतलब ये सब बातें हैं जो आगे चल के पता लगेगी क्या हो किस तरह से ये लोग लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सर रजिस्ट्रेशन की जो ऑब्लिगेशन है वो तो यूआरपी पे है ना. क्या चीज. रजिस्ट्रेशन की जो ऑब्लिगेशन है वो यूआरपी पे. हाँ तो फिर देखिए रजिस्ट्रेशन की ऑब्लिगेशन अगेन यूआरपी पे है लेकिन आरपी के ऊपर कहा जाएगा कि आप टीडीएस टीडीएस काटना चाहिए था क्योंकि ही वाज लायबल टू बी रजिस्टर्ड. आपने जो आरसीएम दिया गलत दिया है. आपने क्रेडिट क्लेम आरसीएम दे दिया ठीक है लेकिन क्रेडिट तो क्लेम गलत किया है तब आप क्या करेंगे. तो ये सर टीसीएस भी लगता है. टीसीएस भी लगता है इनकम टैक्स में. सर टीडीएस. हाँ इनकम टैक्स में टीडीएस भी है. सर उसमें लायबल टू बी रजिस्टर है वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है तो हम तो ये बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं इनका ये डेट में रजिस्टर ही नहीं है. देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अफसर इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कुछ भी कह सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अफसर जो कह रहा है वो सही है गलत है. देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो अभी हम लोग के साथ हुआ भी है. एक पार्टी ए है दूसरी ये पार्टी बी है. पार्टी ए से 5 करोड़ रुपया रिकवर करना था. पार्टी ए वो अफसर क्या कर रहा है पार्टी ए को फोन कर करके बुलाया जा रहा है बुलाया जा रहा है वो आने के लिए तैयार नहीं है. पार्टी ए भाग गया तो ये अफसर ने क्या किया इस पार्टी बी का जिसका ए के साथ और बी के साथ ट्रांजेक्शन था जीएसटी आर वन में देखा बहुत सारे ट्रांजेक्शन है करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन ए और बी का आपस में. तो बी का अकाउंट को बैंक में लिख दिया और फ्रीज करवा दिया लियन लगवा दिया. फिर मैंने इस अफसर से बात की बोला जब तक आपको प्रेशर दूंगा तो आप इसको प्रेशर देंगे तो ये हमसे मिलने आए. ये भागा हुआ है और एग्जैक्टली हुआ भी यही कि हमने इसको पकड़ा अफसर ने बी को पकड़ा और बी ने फिर ए को पकड़ा फिर ए अफसर के पास जा गया इसका लियन हट गया. समझ रहे हैं आप किस तरह से काम कर रहा है. मैं ये कह रहा हूँ जो मेटल स्क्रैप में 40 लाख का जो लिमिट है ना सर ये बहुत ही कम है और मेटल की वैल्यू इतनी ज्यादा रहती है कि ये लिमिट तो बहुत ही जल्दी अगर मेटल स्क्रैप जो छोटे डीलर है कंप्लीट हो जाएगा.
चलिए ठीक है, अब फिर वो तो हम लोग का टेक नहीं है ना। अब आइए यहाँ पर, अब इन्होंने टीडीएस के प्रोविजन सेक्शन 51 में लेके आया। आप सोचिए सेक्शन 51 में हम लोग आज तक ये पढ़ते थे गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, लेकिन इन्होंने एक ओपन छोड़ा हुआ था, सच पर्सन और कैटेगरी ऑफ पर्सन एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। और इस ओपन में ये कई सारे नोटिफिकेशन लेके आए, जैसे नंबर 2 1 अक्टूबर 2018 को लेके आए, और उन्होंने कहा कि एन अथॉरिटी और बोर्ड इनको भी टीडीएस काटना है, सोसाइटी को भी टीडीएस काटना और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी टीडीएस काटना है। इसी क्लॉज से एक और नोटिफिकेशन ले आया 4, ये वाला जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं आपको मैं दिखला देता हूं, किस सेक्शन में लेके आ रहे हैं, 51 सबसेक्शन 1 रीड, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 रीड विद 51, गलत लिखा है क्या, क्लॉज डी होना चाहिए, 51 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, इसके इसमें से पावर ले आए एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और ये वाला ले आए। अब इसमें देखते हैं पढ़ते हैं क्या है लिखा हुआ क्या है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल्स मेटल स्क्रैप फॉलिंग अंडर दिस चैप्टर फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन। फिर उसके बाद कंडीशंस लिखने लगे, जो तो आरपी टू आरपी हो गया टीडीएस, किस रेट से टीडीएस कटेगा, 1%, तो 1% प्लस 1% 2% हो गया। फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर ओनली रजिस्टर्ड ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स ₹2,50,000। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000, मान लीजिए हमने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें 25 लाख रुपया का मैं मेटल स्क्रैप आपसे खरीदूंगा। उसके बाद तो अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 25 लाख है तो ये एप्लीकेबल हो गया, इन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ही अगर 2.5 लाख से कम है तो ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड इज 2,50,000, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 25 लाख का है, मैंने एक बिलिंग की 1 लाख का, तो टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स 2.5 लाख, बाकी तो ठीक है। अब हम लोग टीडीएस के रजिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, क्या उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। तो सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, और कहाँ है टीडीएस, ये रहा, पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इसका मतलब उसका अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है तो उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। रूल 12 सिंगल रजिस्ट्रेशन, यानी कि पूरे इंडिया में वो सिंगल रजिस्ट्रेशन लेगा, या हर एक स्टेट में वो रजिस्ट्रेशन लेगा जहां जहां वो रजिस्टर्ड है। जैसे टीसीएस में तो हमने कहा था कि हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, टीडीएस के केस में ऐसा होगा या नहीं होगा ये आपको चेक। सर दिस ईच स्टेट इज हैविंग सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, नो सर, दैट्स व्हाई इट शुड बी रिक्वायर्ड सेपरेटली। पता नहीं, इसको भी एनालिसिस करना पड़ेगा। नहीं, अलग ही है ना, जीएसटी नंबर अलग ही है ईच स्टेट के लिए। सर ये नोटिफिकेशन नंबर जो है आईजीएसटी रेट में क्यों आया है? नहीं नहीं, आईजीएसटी सीजीएसटी दोनों में आया हुआ है, लेकिन मैं हम लोगों ने आईजीएसटी वाला ही पढ़ा है बस। ठीक ठीक, तो मतलब एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हाँ, सो दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फ्रॉम 10th अक्टूबर सर। हाँ, यस, तो ऑब्वियसली टैक्स पेयर का तो काम, जो रिसिपिएंट है मेटल स्क्रैप का, उसका काम बहुत बढ़ गया है, चोरी इसमें ज्यादा होती है ना इसलिए सर। हाँ, इनकम टैक्स में भी टीडीएस काटना है, जीएसटी में क्या रिक्वायरमेंट है, परचेज वैल्यू 2 लाख से ज्यादा है क्या है उसमें कंडीशन। इनकम टैक्स में तो सर वो वैल्यू तो है ही नहीं ना, वो टीसीएस ले ही लेते हैं ना उसमें तो। अच्छा, मेटल स्क्रैप पे मैंडेटरी है। हाँ, टीसीएस लेने का ही है 0.1%। नहीं जिग्नेश सर, वो टीसीएस में ऐसा है, अगर वो मैन्युफैक्चर को डायरेक्टली जा रहा है ट्रेडर को, तो वहाँ एग्जेम्पशन है, वहाँ पे नहीं लगेगा। हाँ बराबर, मैन्युफैक्चर ट्रेडर टू मैन्युफैक्चर, अगर ट्रेडर टू ट्रेडर है तो टीसीएस लगेगा। करेक्ट, ऐसा है। नहीं नहीं, जब ट्रेडर टू मैन्युफैक्चर जाता है तो टीसीएस होता है, ट्रेडर टू ट्रेडर होता है तो एग्जेम्प्ट है। नहीं नहीं नहीं, ट्रेडर टू ट्रेडर लगेगा, ट्रेडर टू मैन्युफैक्चर को एग्जेम्प्शन दिया है। ओके ठीक है, आप चेक करना। सो वेदर दिस टीडीएस इज एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट एज वेल एज इंटरस्टेट, बोथ? नो सर। यस यस यस, और ये जो बैटरी सर, मेटल स्क्रैप में इनका जो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम रहता है, 2%, अभी वो भी रुक जाएगा तो उनका कहना था कैश फ्लो और कम हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताइए, लेट अस अंडरस्टैंड दिस आल्सो, मेरे घर की बैटरी है और मैं नई बैटरी खरीदने जाता हूँ किसी शॉप में, तो मैंने पुरानी बैटरी दी और नई बैटरी ले ली, तो बेसिकली ये शॉप वाला स्क्रैप खरीद रहा है, बैटरी स्क्रैप। यस सर। शॉप में बेचने जाता हूँ और शॉप वाला खरीद लेता है, मान लीजिए 2,000 रुपए में, आरसीएम है या नहीं है?
लगेगा सर आरसीएम, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड लगेगा। चलिए बाकी लोग सर, वहाँ ये भी तो देखा जाएगा बिजनेस, बैटरी खरीदता है तो नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन खरीदता है तो लगेगा। क्या क्या बैटरी का रजिस्ट्रेशन की बात वाला करता है तो नहीं लगेगा। ठीक है सर, के बोलिए मेटल स्क्रैप खरीदता है अगर एज ए मेटल स्क्रैप लगेगा, मेटल स्क्रैप एज ए मेटल स्क्रैप खरीदता तो मेटल स्क्रैप ही तो है और क्या है। इसका तो रजिस्ट्रेशन 8807 कर सकते हैं। ठीक है कर। हाँ जितेंद्र जी बोलिए आप। बैटरी रिपेयर करके यूज भी कर सकते हैं ना, तो अगर ऐसे बैटरी परचेस करते हैं तो नहीं लगेगा। आप ऐसे मेटल स्क्रैप खरीदेंगे तो लगेगा। वशी जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं कौन कह रहा था बताइए। सर बैटरी अगर सिर्फ है तो उस पर तो 85 का चैप्टर का है वो एचएसएन कोड, पर बैटरी ले रहा है तो वो अलग अलग कोड करके तो ले नहीं रहा है। हाँ ठीक है, लीड समझ ले रहा है तो मेटल स्क्रैप अगर है तो उसपे, और मैं मान के चलता हूँ कि वो चाहे वो 72 हो, सब पे रेट जो है हर एक मेटल पे 18% ही, तो 18 है कहीं 28 है, वो अगर नहीं है 18 यूनिफॉर्म रेट है तो उस पे उस झगड़े पे नहीं जा रहे। मुझे बस इतना जानना है कि बैटरी स्क्रैप जो मेटल स्क्रैप है उस पे आरसीएम है या नहीं है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आई एम यूआरपी, मेरे घर की बैटरी है और इसको मैं शॉप में बेच रहा हूँ, आरसीएम है या नहीं। सर ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं हो रहा है, जो यूआरपी बेच रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नो आरसीएम। और जो सर मेटल वाला एचएसएन में भी ये 85 का है बैटरी। अब ये इसका आप देखिएगा, कई पुराने नोटिफिकेशन या सर्कुलर 2017 में आए थे जिन्होंने वहां क्लेरिफाई किया कि अगर मैं घर की ज्वेलरी, अगर मैं ज्वेलर्स को बेचता हूं तो उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं है, मतलब इसको फॉरवर्ड चार्ज पे कोई टैक्स नहीं देना भले उसका वैल्यू थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो। याद है ना आप लोग को ये? यस सर बिल्कुल, सेम लॉजिक हम लोग यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं। रेजिडेंशियल पर्पस का बैटरी है और ये समझ लीजिए यूआरपी है, लेकिन ये कोई बिजनेस नहीं कर, सैलिड क्लास है मान लीजिए खरीद रहा है, तो जब ये फॉरवर्ड चार्ज ही नहीं है तो आरसीएम कहाँ से आ जाएगा? और आरसीएम के लिए लेने के लिए उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है ना। हाँ। तो सबसे पहले सेक्शन 9 के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ईएमआई के कंडीशन में तब तो आरसीएम आएगा, बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए वगैरह वगैरह, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही पॉसिबल। ठीक बात। चलिए सर, अगर ये टीडीएस नॉन डिडक्शन होता है तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है सर? मुझे लगता है जनरल पेनल्टी के अलावा क्या होगा। सरफराज जी आप क्या कहना चाह रहे थे, ये कौन से चैप्टर में तो क्या उसे क्या फर्क पड़ रहा है क्या? 85 सर स्टार्ट होता है उसका बैटरी का, ये हम कह रहे थे। अच्छा अच्छा, ये 85 इसमें है नहीं, 85 इसमें है नहीं, तो देखना पड़ेगा 85 आप जो बोल रहे 85 में है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट पार्ट्स देयर ऑफ साउंड रिकॉर्ड, कहां 85 में आ रहा है ये सरफराज जी? अच्छा सर अभी चेक करते हैं। चलिए अच्छा, ये टैक्समैन वालों ने ये निकाला है, एक बार स्क्रीन में 27C एक्सेप्टेंस बता रहा है, क्या है सर 27C? मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए इनकम टैक्स का क्या है। एंटिटी एबीसी परचेज स्क्रैप फॉर 10 लाख फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सेलर हु इज नॉट एक्सेप्ट फॉर्म 27C। पीसीएस का है जरा 27C। नहीं तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्टेड का क्या कहानी है, ऐसा भी होता है क्या? बेसिक वैल्यू 10 लाख, जीएसटी 1,80,000, तो टीसीएस पूरे जितना पूरे पे लगेगा, जीएसटी पे भी टीसीएस कलेक्ट हो रहा है परचेस पे। हां सर टीसीएस जीएसटी के साथ होता है, सेल्स टीसीएस के ऊपर होता है, टीडीएस पे खाली नेट पे होता है। ओके अब टीडीएस सिर्फ इस पे नेट पे, ठीक है। नेट पेमेंट कितना करेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा, टीडीएस काट लेगा, तो 11,800 माइनस 20,000, तो टोटल वैल्यू 11,91,800 में टीसीएस कलेक्ट करेगा। ओके ओके, तो कैसे कैलकुलेट किया कोई बता पाएगा? सर इसमें टीसीएस ऐड किया हुआ है, कलेक्ट करना रहता है सेल वैल्यू पे इंक्लूडिंग जीएसटी, और उसके बाद टीडीएस उसमें डिडक्ट करना रहता है इनकम टैक्स का। चलिए यूआरपी टू आरपी ने जो 10 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन किया, यस टैक्स देगा, तो 1,80,000 हो गया, तो 11,80,000 मतलब मैं जो सेल्फ इनवॉइस बताऊंगा, द सेल्फ इनवॉइस व्हिच आई विल जनरेट, दैट बेसिक वैल्यू विल बी हाउ मच 10 लाख, उस पे जीएसटी का अमाउंट कितना लिखूंगा 1,80,000। सर यहाँ पे दो रजिस्टर्ड है ना? नहीं नहीं सर, एग्जांपल में है सर, सर एग्जांपल में रजिस्टर्ड ही बताया है, एबीसी पर अभी जाके वो जीएसटी 1,80,000 लेता है ना, तभी जाके 1,80,000 लेता है 10 लाख के ऊपर। अच्छा रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, तो आरपी टू आरपी है। ओके ओके, आरपी टू आरपी है, ठीक है।
तो मैं सेल्फ इनवॉइस नहीं बनाऊंगा, ये रजिस्टर्ड सेलर ही मुझे एक इनवॉइस देगा, करेक्ट? यस सर। 11,80,000 10 लाख और प्लस जीएसटी 1.80 11,80,000। अब जो बायर है उसके पास दो, एक तो टीसीएस, बायर टीसीएस थोड़ी करेक्ट, सेलर कलेक्ट करेगा ना, सेलर बिल में टीसीएस ऐड कर देगा, तो प्लस टीसीएस 11,800 11,800 आई थिंक सो। हाँ जी ठीक है, नहीं चलेगा बराबर, 11% है। ये जो रजिस्टर्ड सेलर जो बिल बनाएगा इनवॉइस का वो ये बनाएगा, करेक्ट? टैक्स भी लेगा, टीसीएस भी लेगा, टैक्स भी लेगा और टीसीएस भी लेगा। अब जो बायर है वो 11,91,800 पेमेंट करने से पहले 20,000 काटे, 20,000 टीडीएस काट के इसको पेमेंट करेगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड, जीएसटी का टीडीएस, जीएसटी का टीडीएस, इधर इनकम टैक्स का टीसीएस, सर एक ही ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जा रहा है वो देखिए सर। हाँ जी, टीडीएस और टीसीएस पूरा यूज करेगा गवर्नमेंट एक साल, भले जीएसटी वो नेक्स्ट मंथ में ऑफसेट हो जा रहा है, लेकिन ये पूरा पैसा वो यूज करेगा गवर्नमेंट। नहीं नहीं, तो गवर्नमेंट को मुझे एक बात ही नहीं समझ में आ रही है, जब टीसीएस ऑलरेडी था इनकम टैक्स में तो ऑडिट ट्रेल चल रहा था। सर इन लोग का फंडा ही चेंज हो गया, पहले टीसीएस और टीडीएस लाने के पर्पज केवल ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट कराना था। हाँ। अब इन लोग को अर्निंग पर्पज हो गया, पर्पज चेंज कर दिया इन लोगों ने मेमोरेंडम का, पैसा कमाना है बस, पैसा ही कमाना है, गलत कर ही रहे हैं कि रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन है ये इनकम टैक्स की लायबिलिटी, ये इवन जीएसटी लग गया तभी वो रिफ्लेक्शन में आ गया, छिप ही नहीं रहा है, तो टीडीएस टीसीएस कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन पहले क्या ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट कराने के लिए वो लोग टीडीएस टीसीएस पहले लाते थे, लेकिन अभी अब उनका अर्निंग सोर्स बन गया तो उसको हटा नहीं सकते। मतलब आप सोचिए ये जो टीसीएस कलेक्ट हुआ है ये इस रजिस्टर्ड पर्सन के इनकम टैक्स पोर्टल में आएगा, जो नेक्स्ट ईयर जब इनकम टैक्स भर रहा होगा तब वो एडजस्ट हो रहा होगा, ये एडजस्ट इमीडिएटली हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि ये इसके इसमें नजर आ रहा होगा जीएसटी के पोर्टल में, कैश लेजर में। अच्छा चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख, ओके 27 कहां गया, एक्सेप्टेड बाय सेलर 10, ठीक है ये मतलब टीसीएस नहीं करेगा सर, ये आप लोग देख लीजिए, एक्सेप्टेड बाय ही विल नॉट एक्सेप्ट, ही विल नॉट कलेक्ट टीसीएस, वी एग्जम्प्ट द टीसीएस, मतलब ये किसी तो नहीं पता क्या ये एक्सेप्ट 15H 15G फॉर्म है ना टीडीएस के लिए, टीडीएस टीसीएस के लिए इनकम टैक्स में 15H वो उसके लिए नहीं है, सी क्या है ये टीसीएस नहीं करने के लिए, ये देखिए आ तो गया वन टीडीएस अंडर इनकम टैक्स, वन मिनट सेलर को टीसीएस करना था और सेलर ने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसके साथ फॉर्म 27C आ गया, 27C एग्जम करता है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, अगर सेलर एक्सेप्ट कर लेता है तो। इसके बारे में सोचिए टीडीएस ओवरराइड्स और नहीं नहीं और 15 जो टीडीएस जो है वो तो अलग ही है, 194Q वाला है। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ मैं एक बताऊं इसमें बताऊं सर, करेक्ट सर करेक्ट है ना ये, हाँ, परफेक्ट सर। सर ये चक्कर बताऊं सर एकदम शॉर्ट में। हाँ बोलिए सर। देखिए ये किसके लिए लागू हो रहा है, जिसका टर्नओवर मोर देन 10 CR है प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक 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 है सर। तो आपका टर्नओवर है, समझ गया वो बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा टीडीएस ओवरराइड्स टीसीएस, बाकी डिटेल इनकम टैक्स नहीं पड़ेंगे हम लोग, टीडीएस ओवरराइड्स काम खत्म। अब इसका मतलब ये हो गया, ये जो ये तो बिलिंग कर देगा इतना, हाँ जी 11,80,000। अब ये भाई साहब जीएसटी में टीडीएस काट रहे होंगे कितना, 20,000 और इनकम टैक्स में भी टीडीएस काट रहे होंगे 0.1% ऑफ 10 लाख यानी कि 1,000 पेमेंट वो करेंगे इतना। ठीक है अब हम लोग आगे आते हैं, ICs purchase and sales। अब ICs में तो जो इससे खरीद रहा है वो अनरजिस्टर्ड होगा, yes, तो अब अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो वहां पर जो इसको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, टीडीएस कैसे लग जाएगा इसमें, टीडीएस तो आना नहीं चाहिए फिर तो, आरसी जब ICs परचेज है तो ऑलरेडी आरसीएम पे वो टैक्स दे चुका है, करेक्ट? देखिए सर इसमें तो ऐसा हुआ कि ये लोगों को ट्रैक करना है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है ट्रांजेक्शन में, अगर टीडीएस कट जाता है तो फिर पता चलता है कि ये लोग जो है इसका टीडीएस किया हुआ है। नहीं 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 एक बात बताइए, अगर इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन है, हाँ तो इंपोर्ट तो सर बाद में होगा ना, व्हेन इट क्रॉसेस द कस्टम फ्रंट इज आरसी। अभी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 लाख का वैल्यू है, जीएसटी तो जीरो ही आएगा क्योंकि ICs से ट्रांजेक्शन है। नहीं नहीं जिनेश जी, वो पर्सन आउटसाइड इंडिया बैठा हुआ है, मैं उसका टीडीएस कैसे काट सकता हूँ? और दूसरा ICs सेल हो रहा है ना, मतलब विद इन जब वो डिलीवरी नहीं हुआ तभी बिटवीन 2% इंडिया में बैठे। सॉरी
हाइसिस का ट्रांजेक्शन हो, बिफोर क्लियरेंस फॉर, मतलब इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन नहीं है, हाइसिस परचेज एंड सेल बिफोर क्लियरेंस ऑफ ओके ओके। इसका मतलब ये हो गया कि ए इंपोर्ट कर रहा है और बी एक पार्टी है जो इंडिया में ही है, करेक्ट। अब ए बी का बीच में ट्रांजेक्शन हुआ हाइसिस में, अब बी भी रजिस्टर्ड है और ए भी रजिस्टर्ड है, करेक्ट। अब ये एक बिलिंग कर देगा, ठीक है, और हाइसिस परचेज पे जीएसटी लगता नहीं है, ठीक है, नो सप्लाई का केस है, ठीक है, ये तो ठीक है। अब आ गया इंटर यूनिट सेल्स एंड परचेज ऑफ स्क्रैप, तो इंटर यूनिट सेल एंड परचेज ऑफ स्क्रैप इवन विदाउट कंसिडरेशन। सर दिल्ली वाले यूनिट ने मुंबई को भेजा, मुंबई वाले यूनिट ने दिल्ली को भेजा, तो दिल्ली वाले यूनिट ने एमपी को भेजा, मान लीजिए इसमें वैल्यू निल है, मैं निल शो कर देता हूँ या एक रुपया शो कर देता हूँ, एंड एमपी इज एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट, तो जितना मैं वैल्यू इनवॉइस में शो करूंगा उतना एक्सेप्ट होगा सर, ब्रांच ट्रांसफर में वही तो होता है, करेक्ट। तो अब इसमें ये इन्होंने शो किया 10 लाख ये तो ये हाँ सिर्फ जीएसटी कटेगा, टीडीएस अंडर जीएसटी, इनकम टैक्स का सेम पैन है ना सर, सेम पैन नंबर पे कैसे उन्होंने दिया है, ठीक है, डन डन डन, टीडीएस नहीं कटेगा इनकम टैक्स वाला, बस कंक्लूजन हो गया। ओनली इन केस ऑफ इंपोर्ट्स ओनली आर आईजीएसटी पेड विल बी कंसीडर्ड सर, नो सर, वन स्मॉल सर, कैन यू पुट इट दिस ऑन व्हाट्सएप, दिस द टेक्स्ट मैन वाला है, तो व्हाट्सएप में अरविंद जी ने भेजा है, अच्छा आई विल सेंड सर, आई विल सेंड, थैंक यू वेरी मच सर। इंपोर्ट के केस में ये नहीं लगेगा ना कुछ भी, केस में तो ऑलरेडी आरसीएम हो ही चुका है ना, करेक्ट करेक्ट, आरसीएम हो चुका है, मतलब सर क्या बोलना चाहते हैं, इंपोर्ट पे तो आरसीएम लग ही चुका है ना आईजीएसटी, हां 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 बराबर है, टीडीएस तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद को क्यों करेंगे, किसको करेंगे आप, आईसी सेल्स में किया है बस खाली, करेक्ट, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है क्या पता आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक बात विघ्नेश सर, 10 तारीख से ही हो गया है, आने वाले दिनों में नहीं, नहीं असेसमेंट जब होगा तो कितना लोगों का कितना डायबिटी बढ़ेगा, सब लोगों को कौन सर कितने ट्रांजेक्शन छूट जाएंगे सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप सोचिए जब ये इम्प्लीमेंट हो रहा होगा कितने लोगों को ये प्रोविजन याद रहेगा, कितने लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, सेल्फ इन्वॉइस टीडीएस जीएसटी का, टीसीएस इनकम टैक्स का, टीडीएस इनकम टैक्स का, मेटल ई इनवॉइस भी है, करेक्ट, तो ये आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। और दूसरा ये कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट, अब इसमें जो इंटरप्रिटेशन चल रहा है उस पर पता नहीं क्या क्या होगा, चलिए सब एरिया इन्होंने कवर कर लिया जीएसटी में, कुछ भी छूटा नहीं अब तो, ठीक है फिर मिलते हैं।